हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल शक्ति लेसन के क्यू एन ए को। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्यू एन ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन, रामू और श्यामू क्या कर रहे थे? उत्तर, रामू और श्यामू कंचे खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर टू, खेल में बेईमानी कौन करता था? उत्तर, खेल में रामू बेईमानी करता था। क्वेश्चन नंबर थ्री, रामू और श्यामू की झगड़े कौन छुड़ाता है? उत्तर, रामू और श्यामू की झगड़े मोहन छुड़ाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, रामू के बारे में श्यामू मोहन से क्या क्या शिकायत करता है? अथवा रामू में कौन कौन सी बुरी आदतें थी? उत्तर, रामू खेल में हमेशा बेईमानी करता था, वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता था, वह अपना गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं करता था, और जिस दिन वह गृह कार्य यानी होमवर्क नहीं करता उस दिन वह स्कूल नहीं जाता यानी स्कूल बंक करता था। क्वेश्चन नंबर फाइव, मोहन ने रामू को समझाते हुए क्या कहा? उत्तर, मोहन ने रामू को समझाते हुए कहा, देखो रामू, झूठ बोलना गलत बात है तथा एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोहन ने रामू को किस विषय यानी सब्जेक्ट की कॉपी दिखाने को कहा? उत्तर, मोहन ने रामू को गणित यानी मैथ्स विषय की कॉपी दिखाने को कहा। क्वेश्चन नंबर सेवन, मोहन की कॉपी मांगने पर रामू ने क्या जवाब दिया? उत्तर, मोहन के कॉपी मांगने पर रामू ने जवाब देते हुए यह कहा कि मैं अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल कर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर एट, संजय ने सभी बच्चों से क्या कहा? उत्तर, संजय ने सभी बच्चों से कहा कि रामू बात बात पर झूठ बोलने लगा है। क्वेश्चन नंबर नाइन, मनोज ने बच्चों से क्या कहा? उत्तर, मनोज ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने सुना है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई पाप नहीं लगता चाहे वह झूठ बोलता हो। क्वेश्चन नंबर टेन, मनोज की बात को काटते हुए श्यामू ने क्या कहा? उत्तर, मनोज की बात को काटते हुए श्यामू ने कहा कि छोटी उम्र में ही बच्चों को अच्छी आदतें डालनी चाहिए, छोटी उम्र में हम जो आदत सीखते हैं चाहे अच्छी हो या बुरी वह हमेशा के लिए रह जाती है। बच्चों ने मिलकर क्या फैसला किया? उत्तर, सभी बच्चों ने मिलकर फैसला किया कि वे बच्चों की एक टोली यानी ग्रुप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, बच्चों ने रामू को अपनी टोली में शामिल करने का फैसला क्यों किया? उत्तर, बच्चों ने रामू को अपनी टोली में शामिल करने का फैसला किया क्योंकि वे रामू से उसकी गंदी या फिर बुरी आदतें छुड़वाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन या बच्चों ने टोली का नाम क्या रखा? उत्तर, मोहन या बच्चों ने टोली का नाम रखा बाल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों ने टोली का मुखिया यानी लीडर किसे चुना? उत्तर, बच्चों ने टोली का मुखिया मोहन को चुना। क्वेश्चन नंबर 16, बाल शक्ति टोली का क्या क्या काम था? उत्तर, बाल शक्ति टोली का निम्नलिखित काम था। पहला, उन बच्चों पर ध्यान देना जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से अपना जी चुराते हैं। दूसरा, स्कूल के परिसर यानी स्कूल कैंपस को साफ सुथरा रखना। तीसरा, गांव की गंदगी को दूर करना तथा हर रोज एक घंटा गांव की सफाई में लगाना। चौथा, गांव में कई गड्ढे हैं, उन्हीं गड्ढे को ढपना। पांचवा, गांव को हरा भरा रखना तथा गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगा करके वहां हरियाली फैलाना। क्वेश्चन नंबर 17, सभी बच्चों ने किसका पालन किया? उत्तर, सभी बच्चों ने टोली के नियमों का पालन किया। क्वेश्चन नंबर 18, कलेक्टर ने अपने भाषण में बच्चों से क्या कहा? उत्तर, कलेक्टर ने अपने भाषण में बच्चों से कहा, इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इन बच्चों ने गांव को एक नया जीवन प्रदान किया, इन बच्चों ने मिलकर गांव को एक स्वच्छ वातावरण दिया जिसके कारण आपका गाँव एक आदर्श गाँव बन गया, इन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्वेश्चन नंबर 19, कलेक्टर साहब ने बच्चों को कितने रुपए का इनाम दिया? उत्तर, कलेक्टर साहब ने बच्चों को 5000 रुपए का इनाम दिया। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कलेक्टर साहब को क्या कहा? उत्तर, मोहन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कलेक्टर साहब को कहा कि इनाम के पैसे हमें देने के बजाय हमारे प्रधान अध्यापक को दे दिया जाए ताकि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बनाकर बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रदान किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बाल शक्ति लेसन के क्वेश्चन आंसर को। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।